गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं गुड मॉर्निंग बोलने लायक हूँ क्योंकि मैं सपोर्ट पाया हूँ बहुत दिनों की कोशिशों के बाद, और वो भी इसलिए क्योंकि आई वॉज लुकिंग माइसेल्फ इनटू द मिरर। इट वॉज गिल्टी फीलिंग फॉर मी जो मैं अपनी हेल्थ को डिग्रेड होते देख पा रहा था। इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम्स सब कुछ ख़राब कर देते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आए, आप रात रात भर जाके आपको तैयारियाँ करनी है, कोई फिटनेस सारी छूट जाती है, हेल्थ ख़राब होने लगती है, तो सब कुछ ख़राब ही हो रहा था लाइफ में। अब आज से सोचा है शुरू करने का, वापस से गेन किया है, वापस से सुबह उठ पाया हूँ, तो उठ गया हूँ, तो चलते हैं जिम। और देखो सुबह सुबह मेरे से लड़ने की हिम्मत भी कौन कर रहा है भाई, तीन काले बंदर। ओए जिम खत्म। चलो भैया आज दातुन करेंगे है ना। आज मेरे को कैंपस में पता नहीं कैसे दिख गया है ये पेड़ नीम का, तो सोचे दातुन ही कर ली जाए। टूट गया ये रहा हमारा सुबह का टूथब्रश, ठीक है आज दातुन करेंगे। मैंने इसको छील लिया है, अब चलो इसको ट्राई करते हैं, नीम की दातुन देखते हैं कितनी ज़्यादा कड़वी होती है। नहीं होती यार, कड़वी नहीं होती, लोग झूठ बोलते हैं कड़वी होती है, नहीं मानते, ट्राई कर लो। नहा धो के रेडी हो गया हूँ, लेकिन ऑलरेडी कॉलेज के लिए 5 मिनट लेट हूँ, यहाँ से कॉलेज तक पहुँचने में मेरे को 5-10 मिनट लग जाएंगे, तो आज पता नहीं क्लास के बाहर खड़ा ना होना पड़े, डांट तो अलग पड़ेगी। आ गया हूँ कॉलेज, अब जल्दी जल्दी बहाना सोच लूँ कोई, अब क्या बहाने से बच सकता हूँ, बच के तो रहूँगा। और जो भी आर्किटेक्ट मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी भी कॉलेज की क्लासरूम के गेट आगे मत बनाया करो, पीछे बनाया करो, आराम से जाके बैठ जाए। करने आया हूँ भाई, देखो इतना डर लग रहा था आने से पहले कि लेट हो गया हूँ, डांट पड़ेगी, क्लास भी हो गई और जल्दी भी छूट गई, ये बेचारा इतनी दूर से आता है, ट्रैवल करके आया हूँ 1.5 घंटे की क्लास करने के लिए, 2 घंटे ट्रैवल किया और 1.5 घंटे की क्लास भी छुट्टी, खत्म, जा रहे रूम में मस्ती करेंगे, पत्ते लाए नहीं तो पत्ते खेलते थोड़े, हमारा खिलाड़ी नहीं आया ना पत्ते वाला, सो रहा है वो, पबजी खेल के सो गया है। तो क्लास करने के बाद अब मेरे को जाना है इंटर्नशिप पे, उससे पहले मैं थोड़ी बाइक दिखाऊंगा, बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले जाऊंगा बाइक की सर्विसिंग कराऊंगा और उसके बाद इंटर्नशिप पे जाते हैं, देखते हैं आज क्या है, क्या करना है वहाँ पर। बाइक की सर्विसिंग करा कर मैं आ गया था साइड पे, बाइक तो एकदम मक्खन चल रही है सर्विसिंग के बाद, और साइड पे भी काम मस्त चल रहा है, एकदम मक्खन तो नहीं, थोड़ा मिट्टी मिट्टी सा चल रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है जो कुछ भी है। ये मान लीजिए इस बिल्डिंग के फाउंडेशन को तैयार होने में लगभग 2-3 महीने लग गए, और अभी प्लिंथ बीम का काम चल रहा है, और अब प्लिंथ बीम से देखना कितनी रफ्तार में बिल्डिंग ऊपर बनती है, अब कितने भी माले होंगे ना सब इतनी जल्दी बन जाएंगे, फाउंडेशन में टाइम लगा, लेकिन दैट सेम अप्लाइज टू योर करियर एज वेल, फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनाओ उसमें टाइम दो, टाइम लगेगा लेकिन फिर ऊपर बिल्डिंग बहुत जल्दी बनेगी, बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगी लाइफ में। यहाँ पे ये है लिफ्ट सेक्शन, लिफ्ट के लिए वॉल्स बन रही हैं, लिफ्ट लगेगी बिल्डिंग में, और ये हमारे कॉलम एंड ऑल, ये पूरा बन रहा है हमारा एग्जामिनेशन हॉल, 23 पॉइंट कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन सिविल मज़ेदार है, पता नहीं लोग क्यों इतना भाव कम देते हैं सिविल को, सिविल ही तो है कोर पैसा, 23 करोड़ प्रोजेक्ट, 23 करोड़ का प्रोजेक्ट कभी आता है सीएस में, सोचे कभी को आओ। तो दिन भर के सारे काम निपटा के अब आ गया हूँ रूम पे, अब बारी है खुद की लर्निंग्स और खुद को टाइम देने का, तो अभी मैं काम करूँगा लैपटॉप पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि है सीएस से रिलेटेड प्लस सिविल से रिलेटेड है, कम मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्ट का, तो उस पे काम कर रहा हूँ, आगे चल के बताऊँगा कौन सा प्रोजेक्ट है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार और बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, इतनी हिंट दे सकता हूँ बस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।